हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है व्हाट इज वैल्यूएशन एंड व्हाई वी नीड रिक्वायर्ड अ वैल्यूएशन। फ्रेंड्स, उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि परफेक्ट इंस्टीट्यूट फॉर सिविल इंजीनियर्स शॉर्ट टर्म कोर्सेज प्रोवाइड कराता है फॉर अ नॉन टेक्निकल और अ टेक्निकल स्टूडेंट्स विद 100% जॉब असिस्टेंस। फ्रेंड्स, अब हम मूव करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड्स, व्हाट इज वैल्यूएशन? इट इज अ टेक्निक ऑफ एस्टिमेटिंग और डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस और अ वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी सच एज अ बिल्डिंग, फैक्ट्री और अदर इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर और अ लैंड एक्सेट्रा। मतलब कि किसी भी बिल्डिंग की, लैंड की, किसी फैक्ट्री की वैल्यू को फाइंड आउट करने को ही वैल्यूएशन कहते हैं। फ्रेंड्स, वैल्यूएशन डिपेंड्स अपॉन किन की चीज़ों पे वैल्यूएशन डिपेंड करती है? वैल्यूएशंस स्ट्रक्चर लाइक लोकेशन, मेंटेनेंस, बैंक इंटरेस्ट और लीगल रूल। मतलब कि उस प्रॉपर्टी की लोकेशन के ऊपर, उसकी मेंटेनेंस के ऊपर, उसकी लीगल जो कंट्रोल है, मतलब वो हमारा जो है पावर ऑफ अटॉर्नी में आती है या फिर रजिस्टर्ड में है और हमारा कोई उस पर इंटरेस्ट तो नहीं है प्रॉपर्टी के ऊपर, इसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी वैल्यूएशन ऑफ अ प्रॉपर्टी। उसके बाद फ्रेंड्स, पर्पस ऑफ वैल्यूएशन क्या है? कि हमारा पर्पस क्या है अपनी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन कराने का? मतलब कि अगर हम बाइंग करना चाहते हैं या सेलिंग है, मतलब हम कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या उसको बेचना चाह रहे हैं। सपोज आपने कोई गाड़ी लेनी है तो आप गाड़ी ले खरीद रहे हैं तो उसकी वैल्यूएशन आप देखते हैं, अलग अलग शोरूम पे जाके उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। अगर आप वही गाड़ी, अगर अपनी पुरानी गाड़ी आप बेच रहे हैं तो अलग अलग जो सेकंड हैंड जो गाड़ियां परचेज करते हैं आप उनको देखते हैं और उनसे अपनी गाड़ी की वैल्यूएशन कराते हैं। दैट इज कॉल्ड वैल्यूएशन। आपका पर्पस क्या है? बाइंग और सेलिंग। उसके बाद आता है हमारा एमसीडी टैक्स लग रहा है, वो देखना कि कितना टैक्स लगेगा उस प्रॉपर्टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ही पता चलता है कि हमारे को कितना टैक्स देना है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। उस पर्पस के लिए भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आता है फ्रेंड रेंट फिक्सेशन। रेंट फिक्सेशन मतलब उसका किराया फिक्स करना। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में रहते हैं तो फ्रेंड्स प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है रेंट पर्पस के लिए कुछ और होती है, और अगर किसी आप आउट ऑफ मेट्रोपॉलिटन जाते हैं, किसी गांव में जाते हैं तो वहां पर आपको रेंट कुछ और मिलता है। इट्स टोटली डिपेंड्स कि लोकेशन और प्रॉपर्टी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है फ्रेंड्स। उसके बाद आप सिक्योरिटी ऑफ अ लोन और अ मोर्टगेज, आप किस पर्पस के लिए सिक्योरिटी जमा करानी है तो उसके लिए भी आपको वैल्यूएशन करानी पड़ेगी अपनी प्रॉपर्टी की। उसके बाद बारी आती है फ्रेंड्स कंपलसरी एक्विजिशन। मतलब कंपलसरी एक्विजिशन मतलब फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए बहुत सारे आपने देखे होंगे लोग बैंकक्रप्ट हो जाते हैं या कंपनी के पास दिवालिया घोषित कर लेते हैं, उसके बाद उनसे पैसा लेना बैंक के लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। तो बैंक पैसा कैसे लेता है? जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उनकी वैल्यूएशन करा के। कि अगर आपने देखा होगा बहुत सारे जो है प्रॉपर्टीज को बैंक सेल आउट भी करता है, उस पर्पस के लिए भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। तो ये है कंपलसरी एक्विजिशन, मतलब कि उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करके या उसको सेल आउट करने के लिए जो एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद आते हैं भाई फ्रेंड्स इंश्योरेंस की, बेटरमेंट चार्जेस की। अगर हम अपनी प्रॉपर्टी को इंश्योर कराना चाहते हैं तो हमें उसके अगेंस्ट में भी वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। अगर हम उसके लिए बैंक से लोन लेना चाहते हैं बेटरमेंट, मतलब कि इंटीरियर फिट आउट कराने के लिए या उसके फर्दर उसको मेंटेनेंस के लिए, तो उसके लिए भी हमें वैल्यूएशन करानी पड़ती है। तो फ्रेंड जैसे आप अपनी गाड़ी लेते हैं एग्जांपल, तो आप गाड़ी लेते हैं तो उसके लिए आप इंश्योरेंस कराते हैं, तो इंश्योरेंस जब आप रिन्यू कराते हैं तो आपकी गाड़ी की कोई वैल्यू लगती है। तो जब आपने जब गाड़ी परचेज की थी तो सेम टाइम पे जो आपने इंश्योरेंस कराया था उसका जो प्राइस था, और जो आपने चार साल के बाद अगर आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसका प्राइस वही नहीं होगा, वो प्राइस चेंज हो चुका होगा बिकॉज ऑफ कार वैल्यू। ये इंश्योरेंस के लिए भी हेल्प होता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो था वैल्यूएशन के ऊपर। अगर आप किसी टाइप के छोटे छोटे नॉलेजेबल वीडियोस परफेक्ट इंस्टीट्यूट से चाहते हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट शॉर्ट टर्म कोर्सेज करना चाहते हैं या आपको कोई फ्रेंड करना चाहता है तो प्लीज़ आप हमारे को कॉन्टैक्ट करें, हमारे मोबाइल नंबर पर या हमारी वेबसाइट पर जाकर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।